ABPS News। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का पड़ा ब्लॉक ठाकुर द्वारा स्थित ग्राम प्रतापपुर पड़ा। लगभग 1500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान खजान सिंह हैं। गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा करें तो पता चलता है कि ग्राम प्रधान ने गांव में 5 सड़कों का निर्माण करवाया है, वहीं 74 शौचालयों का निर्माण भी ग्रामीणों के लिए कराया है, जिससे ग्राम शौच मुक्त हो सके व साथ ही सरकार के द्वारा उठाए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में आवासों का निर्माण भी करा गया है तथा पात्रों को वितरित भी किए गए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव में लगभग 90 बच्चे जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं, जो गाँव की जनसंख्या के हिसाब से एक बेहतर स्तर पर दिखाई देती है। वहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत भी पात्रों को लाभ मुहैया कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में 13 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे पानी की दिक्कतों की सामना ग्रामीणों को ना करना पड़े। साथ ही साथ 50 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से बात करते हुए प्रधान ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में बची हुई सड़कों का भी निर्माण करवाया जाए, साथ ही साथ गांव में शमशान घाट की भी जरूरत है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को अभी भी 35 और आवासों की जरूरत है। ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से प्रधान के कार्यों की समीक्षा की और बताया कि ग्राम प्रधान विकास कार्य बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बंद बस्ते में पड़ी नजर आती हैं। मैं ग्राम प्रधान प्रतापपुर का रहने वाला हूं। मैं जो हूं बढ़िया करके विकास करा रहा हूं, जितना पैसा आ रहा है उतना विकास करा रहा हूं। 5-6 सड़क बनवा चुका हूँ, 814 बोर्ड है मेरी ग्राम पंचायत में दोनों में, 74 शौचालय बनवा दिए मैंने, 5 आवास बनवाए हैं, बिगर भेदभाव के काम कर रहा हूँ मैं। और मैं जो है कुछ मुझे जो है कुछ जो है सड़कें और बनवानी है, तो मैं राज्य सरकार से चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजा जाए मेरे लिए, क्योंकि मैं गांव का विकास कराना चाहता हूँ। मेरे यहाँ शमशान घाट भी नहीं है और मैं जो हूँ शमशान घाट को भी चाहता हूँ कि राज्य सरकार मेरी बात सुने और मुझे शमशान घाट दिया जाए। 4-5 हैंडपम्प की ज़रूरत है मुझे, और जो है कि कुछ पात्र व्यक्ति आवास बनने से रह रहे हैं, उनके आवास की बनाने की आवश्यकता ज़रूरी है, आवास के लिए भी मुझे पैसा आवंटन किया जाए। मैं ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं राज्य सरकार का बहुत आभारी रहूँगा। मेरा नाम नसीमा, प्रतापपुर का रहने वाली। मेरा मकान बनवाया प्रधान जी ने, मैं झोपड़ी में रह रही थी।